हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम कट करने वाले हैं बटरफ्लाई, जो कि आजकल ट्रेंडिंग में चल रहा है। गाइस, आपको दिखाते हैं सेक्शन निकाल के कि कैसे आप सेक्शन निकालें। फिर उसके बाद दिखाएंगे आपको हेयर कट कैसे करना है। चलिए गाइस, आगे आपको दिखाते हैं कि हेयर कट कैसे करना है। अभी फ़िलहाल आपको हम सेक्शन निकालना दिखा रहे हैं। जैसे कि गाइस आप देख पा रहे हैं, हमारे सेक्शन कंप्लीट हो गए हैं। हमने चार सेक्शन में डिवाइड कर दिए हेयर। सबसे पहले कट करना है आपने वन लेंथ। देखिए, आप वीडियो में दिखाते हैं आपको वन लेंथ कैसे करते हैं हेयर कट। चलिए देखते हैं। जैसे कि देख पा रहे हैं गाइस, हम एकदम वन लेंथ में कट कर रहे हैं सेक्शन टू सेक्शन। अब हम इसके बाद करने वाले हैं फ्रंट का हेयर कट। हमने सारे हेयर जो हम कट करेंगे वो सारे फ्रंट में ही ले जाके करेंगे, जिससे कि हमारा पीछे की लेंथ और वो इक्वल आएगी और हमारा बहुत ही अच्छा हेयर कट होगा। लिए गाइस, आपको फ्रंट हेयर कट पूरा कंप्लीट करके दिखाते हैं। आगे मिलते हैं आपको वीडियो में। जैसे कि आप देख पा रहे हैं गाइस, सेक्शन बाय सेक्शन हम फ्रंट का हेयर कट कर रहे हैं। चलिए गाइस देखते हैं, जैसे कि हम फ्रंट का हेयर कट कंप्लीट होता है, हम आपको आगे मिलते हैं वीडियो में। आपने पूरा हेयर कट फ्रंट में ही लेके करना है। पूरा हेयर कट मैंने फ्रंट में लाके ही किया है, इससे कि आपका यू शेप भी बहुत अच्छे से आएगा। गाइस, आप ट्राई एक बार ज़रूर करें आप। गाइस, हमारा फ्रंट का हेयर कट जैसे हम कर रहे थे फ्रंट में लाके, वो कंप्लीट होने वाला है। अब उसके बाद दिखाते हैं हम हेयर कट जो हम कट करने जा रहे हैं, वो आपका 90 डिग्री पे होगा। सारा आपने ही वहीं 90 डिग्री पे ही लाके आपने कट करना है, क्योंकि इससे हमारी है ना बालों में बहुत अच्छी लेयर्स आएंगी और आपका फुल वॉल्यूम इतना अच्छा आएगा बालों में, बहुत ही अच्छा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, सारा हेयर कट यहीं पर होना है।
गाइस कट कंप्लीट होने वाला है और हम आपको उसके बाद दिखाते हैं। गाइस कट कंप्लीट हो चुका है। अब हम करने जा रहे हैं ब्लू ड्रायर। ब्लू ड्रायर करने का तरीका सबसे बेस्ट है, चार सेक्शन में लेके ही आप ब्लू ड्रायर अच्छे से कर सकते हो। चाहे तो आप सिंगल हैंड कर सकते हो या आप किसी को साथ लेके भी कर सकते हो। ड्रायर ड्रायर करते समय आप दो चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, क्योंकि आप ड्रायर को ज़्यादा ही एक ही जगह पर आप ज़्यादा ना चलाएँ, और दूसरा आप अपने हेयर ब्रश को है ना अच्छे से बालों के अंदर होल्ड करें, जिससे कि आपके बाल भी नहीं फंसेंगे। मिलते हैं गाइस फाइनली ड्रायर करने के बाद। फाइनली हमारा ड्रायर कंप्लीट होने वाला है। गाइस अब आपको दिखाते हैं फाइनली हेयर कट। गाइस देख सकते हैं जैसे कि आपका हमारा हेयर कट कितना अच्छे से हुआ है, और हमारा ड्रायर भी बहुत ही अच्छा हुआ है। गाइस आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट्स करके बताएं, और चैनल को भी सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें और लाइक और कमेंट्स। मिलते हैं गाइस आपको नेक्स्ट वीडियो में।